और मुझे मिल गई है एक बड़ी सी कैंडी। वाओ, ये कितना लाजवाब है। मेरे पास कितनी सारी खाने की चीजें हैं। आज का दिन तो बहुत बढ़िया है, पर मुझे लगता है ये मेरे लिए बहुत ज्यादा होगा। हाँ, मुझे मालूम पड़ गया, मैं ये शेयर कर सकता हूँ कजिन के साथ। ये सारे कीड़े गए कहाँ? कितनी अजीब बात है। और मैंने कॉस्मो को भी काफी दिनों से देखा नहीं। इस पूरे मास का इकलौता चेला है मेरा कॉस्मो, कहाँ गया वो? मैं कॉस्मो को बहुत ज्यादा मिस कर रहा हूँ, भले ही वो मुझे परेशान क्यों ना करे। क्या दिन है आज, खुली सड़क पर नीचे गिर रहा हूँ मैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? बदमाश पत्थर, तुम मेरे रास्ते में आए, मैं तुम्हें यहाँ से बाहर फेंक दूंगा। हाँ, मैं तुम्हें यहाँ से मेरे तालाब में फेंक दूंगा, तुम्हारे लिए वो सही रहेगा। ये तो कॉस्मो है। हेलो माय फ्रेंड, आखिर मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। तो मेरे दोस्त, तुम मेरे साथ लुका छुपी खेल रहे हो? मैंने तुम्हें कितने दिनों से देखा तक नहीं। हाय कॉस्मो, वाह, तुम क्या कर रहे हो? तुम क्या कर रहे हो अंदर? अरे बात करो मुझसे, बात करो। कॉस्मो, कॉस्मो, तुम पत्थर के अंदर फंस गए हो और बाहर नहीं आ पा रहे हो। कॉस्मो, अब मैं क्या करूं? तू फिकर मत करो नन्हे बच्चे। कॉस्मो, मैं तुम्हें बाहर निकालूंगा। तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो, मैं तुम्हें जरूर बाहर निकालूंगा। मैं सच में बहुत थक गया। आओ, सनसेट तो बहुत ही अच्छा है। कॉस्मो, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। ऐसा लगता है जैसे बहुत साल हो गया मैं तुमसे मिला नहीं हूँ। हमेशा एक साथ गुजारे हुए अच्छे पलों को याद किया मैंने। जो प्लीज मुझे वापस दे दो, मुझे पकड़ो और अपनी फोटो ले जाओ। तुम जानते हो कि तुम ही मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो कॉस्मो, दोस्त हमेशा के लिए। तुम बात करते हुए ज्यादा अच्छे लगते हो। अरे बाप रे, सूरज आ गया। ओ कॉस्मो, गुड मॉर्निंग कॉस्मो। कॉस्मो, कॉस्मो, क्या तुम मुझे सुन रहे हो कि नहीं? मैंने तुम्हें गुड मॉर्निंग कहा और तुम ऐसा दिखा रहे हो जैसे तुमने कुछ सुना ही नहीं। अरे मैं तो सच में भूल ही गया था, कॉस्मो पत्थर में फंसा हुआ है। पत्थर में फंसे रहना बहुत मुश्किल बात होगी। कॉस्मो, कॉस्मो, क्या तुम मुझे सुन रहे हो? मुझसे बात करो प्लीज। ठीक है, मैं तुम्हें से बाहर निकालूंगा। बाप रे, इस पत्थर ने मेरा ही पत्थर तोड़ दिया, मुझे बिलीव नहीं हो रहा। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मैं तो आज तुम्हें तोड़ के ही रहूंगा कैसे भी करके। ये लो। आ,
अब तुम देखो इस पहलवान की ताकत। मर गया, मैं तो तोड़ ही नहीं पाया, मैं खुद ही गिर गया। अब वो लगा अरे बाप रे, मैं तो मर गया। कॉस्मो मुझे माफ करना, मैं तुम्हें निकाल नहीं पाया। मुझे माफ करना कॉस्मो मेरे दोस्त। Lip dip, 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 lip dip. मेरे पास कितने सारे पॉपकॉर्न बचे हैं? मेरे ख्याल से जो क्रोकर को देना चाहिए। जो क्रोकर के पास सोने के अलावा और कोई काम नहीं है। Hey, जो क्रोकर, hey! सूरज ढल रहा है, ए आलसी मेंढक। ये चीज क्या है? ये तो मेरी तरह दिखाई दे रहा है। ये क्या है? ये कहाँ से आया है? मुझे लगता है ये मेरे पिता की तरह दिखाई दे रहा है। नहीं नहीं, मेरे दादाजी की तरह दिखाई दे रहा है ये तो। नहीं, परदादाजी की तरह। नहीं 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 नहीं, ये जो भी है इतना बूढ़ा नहीं हो सकता। पर ये तो एकदम हूबहू मेरी तरह दिखाई दे रहा है। जरूर ये कोई मेरा पूर्वज ही होगा। नहीं, वो नहीं हो सकता। हो सकता है, मुझे इतना ज्यादा नहीं पता है, पर मुझे इतना पता है कि ये मेरा पूर्वज ही होगा। मैं अपने परिवार के बुजुर्ग से मिल रहा हूँ, ये कितनी अच्छी बात है। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। मुझे आप बड़े पसंद आए, मेरे बुजुर्ग। मेरे प्यारे बुजुर्ग। हाँ बराबर है, मेरे पूर्वज मुझे आशीर्वाद दो, खाने की कभी कमी ना हो, और ये जो से मुझे कभी कोई तकलीफ ना हो। प्लीज मुझे ऐसा आशीर्वाद दीजिए। मुझे ऐसा लगता किसी ने मेरा नाम लिया। हे जो, तुम कब उठे? मुझे पता ही नहीं चला। हे जो, क्या हुआ? मैं कॉस्मो हूँ। अरे बाप रे, कॉस्मो तुम हो? तुम पत्थर से आजाद हो गए। मुझे बहुत खुशी हुई तुम्हें देखकर, मुझे बहुत अच्छा लगा। आई लव यू। तुम्हारे बिना मैं बिल्कुल जी नहीं सकता। छोड़ो मुझे, छोड़ो। जो क्रोकर, ये क्या कर रहे हो? तुम्हारे मुंह से बदबू आ रही है। तुम कौन हो तो कहने वाले? मेरे सांसों में बदबू है। अब ठीक है। मेरे साथ ही क्यों होता है? मुझे अब तक उसकी आदत पड़नी चाहिए थी। क्योंकि तुम हमेशा मुझे परेशान करते हो कॉस्मो। ये सब छोड़ो। अब मुझे बताओ, तुम इतने दिनों से कहाँ पे थे? अरे जो, मैं मेरे कजिन को मिलने गया था। तो फिर उस पत्थर के अंदर कौन है? वैसे मुझे वो नहीं पता, पर मुझे यकीन है कि वो मेरा पूर्वज है। हाँ, पूरा यकीन है। हाँ, तुम्हारे पूर्वज? वाव, मैंने तुम्हारे पूर्वजों को मिट्टी से खोद कर निकाला है, ये तो बिल्कुल वाहियात। मुझे जाने दो। वैसे मुझे समझाओ, मेरे पूर्वज पत्थरों में क्यों फंसे हैं? देखो, वैसे तुमने सवाल तो बहुत ही अच्छा किया है। जब भी कोई प्रॉब्लम हो, बाटलबी को बुलाओ। बाटलबी को शायद इसके बारे में पता हो। इस खूबसूरत पत्थर को अंबर कहते हैं। इस जंगल में जो भी रेजिन पेड़ से गिरती है, वो इन कीड़ों के शरीर को फंसा लेती है, और सदियों में जमीन में रहने के बाद जब ये बाहर आती है तो ये अंबर का रूप ले लेती है। समझ गए? क्या बात है, ये तो कमाल का इतिहास है। वाओ, ये कितना लाजवाब है। मैं कभी सोच नहीं सकता था कि मैं मेरे पूर्वज से मिलूंगा जो एक अंबर में फंसे हुए हैं। क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें अंबर में डाल दूं? बाटल भी मदद करो। मेरे हाथ में आ जाओ, उसके बाद देखो। जो